ऑल सेट टू लीव। दिस इज मदरसा सिटी। ओ भाई साहब क्या रोड मिला यार, मजा आ जाएगा इसमें तो। अभी हम लोगों ने थोड़ा पानी पी लिया, अब सीधा उदयपुर रुकेंगे। नो फोटोग्राफी, नो पार्किंग, नो स्टॉपिंग। सॉरी मेरा कैमरा पहले से ऑन है। वाओ शिवा, भगवान शंकर, भोलेनाथ। अरे बाबा, अरे बाबा। और यहाँ से हमने आज डिसाइड किया है कि हम आज ही चंडीगढ़ जाएंगे। ये हमारा रूम है जिसमें हमने मदरसा में रुके थे। आज हमारा डे टू का स्टार्टिंग हो रहा है, लेकिन कैसा कल हमने व्लॉग कर ही नहीं पाए, इतने थके हुए थे हम लोग। 11 बजे पहुंचे मदरसा तो हालत ख़राब थी। ये राज, इंकिया, ये वर्षा, ये पुष्पेंद्र, हम चारों इस रूम में रुके थे। अभी सुबह हम रेडी हो चुके हैं और हमने अपने सामान रख दिए हैं वापस। अभी कुछ भी नहीं है रूम में, सिर्फ पहनने वाले कपड़े हैं, जैकेट एंड ऑल। मेरा एक बैग बचा है, मेरा जैकेट बचा है और सब लोग रेडी हो चुका है। अभी हमें यहाँ से निकलना है। रूम ये अच्छा है, बिल्कुल नया होटल है। एक्चुअली कुछ किया ही नहीं अभी तक, मुझे लगता है कोई रहा भी नहीं है। काफ़ी सस्ते में हमें रूम मिल गया था 4 लोगों के लिए, और बाकी 4 लोगों के लिए सेपरेट रूम था। टोटल 8 लोग हैं हम लोग। आज हमारा डे टू स्टार्ट हो रहा है तो हम लोग अभी निकलेंगे और फिर होटल का भी रिव्यू देते हैं। होटल वाले भैया बहुत अच्छे हैं, भैया ने हमारा चैनल भी सब्सक्राइब कर लिया है। भाई गर्मी से परेशान है। होटल का नाम भूल गया क्या? होटल मैजिक मदरसा से पहले है, 10 किलोमीटर पहले होगा। हाँ, 10 to 12 किलोमीटर पहले है। काफ़ी अच्छा होटल है, नया है, बिल्कुल साफ सुथरा, एकदम क्लीन। कोई भी अगर इधर से जाता है तो यहाँ पे अगर रुकना है मदरसा में तो रुक सकते हैं। भाई साहब 7:30 बज गया, अभी यहाँ से मरते मरते चंडीगढ़ तक कैसे जाएंगे मालूम नहीं, बट पहुंच ही जाएंगे किसी तरह। चंडीगढ़ नहीं तो एटलीस्ट रोहतक तक जाने का ट्राई करेंगे आज हम लोग। क्या बोलता है जिंके? हाँ, रोहतक 700 किलोमीटर आराम से, आज तो करना ही है भाई। यार मेरा बैग बांधना बाकी है। ये रही हमारी बाइक्स, रेडी, ऑल सेट टू लीव। सबकी गाड़ी रेडी हो चुकी है। पुष्पेंद्र का जावा, मेरा डोमिनार, ये बुलेट और ये इंटरसेप्टर, और एक बुलेट आगे जा चुकी है। तो अभी हम लोग भी निकलेंगे, मिलते हैं हाईवे पे। तो भाई गाड़ी स्टार्ट हो चुकी है और यहाँ से हम लोग निकलेंगे अभी। दिस इज़ मदरसा सिटी, गुजरात का मदरसा सिटी है ये। यहाँ हम लोग करीब करीब 8 बजे के आसपास पहुँचे हैं सुबह। एक्चुअली मदरसा से 10 किलोमीटर पहले रुके थे हम लोग। तो आज डे टू पे हमें टारगेट हमारा तो रोहतक तक रहेगा, बट देखते हैं कि कहाँ तक जा पाते हैं। हमें कल दोपहर तक चंडीगढ़ पहुँचना है, तो इसके लिए आज रोहतक करना ही पड़ेगा, करीब करीब 800 किलोमीटर। तो देखते हैं कि हम लोग कहाँ पे पहुँचते हैं आज। 8 बज चुका है ऑलरेडी, 12-13 घंटा तो राइड करेंगे रात के 9-10 बजे तक। कुछ देर तक अभी ये सिटी में डबल रोड है, बट यहाँ से कुछ 30 अराउंड किलोमीटर अभी सिंगल रोड ही मिलने वाला है, तो हमें थोड़ा सा धीरे ही चलना पड़ रहा है। उसके बाद फिर हाईवे आएगा, तो 6 लेन हाईवे है शायद आगे, तो वहाँ से फिर हमें ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। आज सुबह का ये पहला टोल है,
मुदासा में से जैसे ही हम बाहर निकले हैं तो हमें ये टोल मिला है, तो ऑब्वियसली ये मुदासा का टोल होगा। एक चीज़ अच्छी है यार, बाइक को टोल नहीं लगता नहीं तो बहुत खर्चा हो जाता अभी क्या, बाइक फ्री में निकल जाती है और लाइन भी नहीं लगना पड़ता है तो दिस इज़ वेरी गुड थिंग फॉर अ बाइकर्स। ओ भाई साहब क्या रोड मिला यार, मज़ा आ जाएगा इसमें तो। एक नंबर रोड मिला भाई, अभी हम लोगों ने थोड़ा पानी पी लिया, अब सीधा उदयपुर रुकेंगे, नो स्टॉपेज। पानी ज़रूरी है यार, हर घंटे पानी पीते रहना चाहिए, बाकी चीज़ें मैनेज हो जाती है। चलो मिलते हैं उदयपुर में। ये दिन का दूसरा टोल है और हाँ, ये उदयपुर के रास्ते बहुत तगड़े है भाई, मन ही नहीं हो रहा रुकने का, भूख भी लगी है, बट रुकने का मन हो तब तो खाने पीने का कोई सोचेगा। खूबसूरत रोड है, मतलब इतना सही व्यू आता है, इतना सही रोड है कि मत पूछो यार, क्या बीच में ये सब घटिया चीजें हो जाती है। दिस इज नॉट गुड यार, इतना अच्छा रोड था, इतना अच्छा, और मैंने जैसे ही बोला बीच में एक ट्रक अटका हुआ पड़ा हुआ है, रिस्की है यार, पीछे से लोग मेरे आ रहे हैं, तो लोग बुलेट वगैरह का ब्रेक इतना पावरफुल नहीं है, बट ठीक है 80 के स्पीड में टर्न मार सकते हैं, वो लोग 80-90 चल रहे हैं तो उनको ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। अभी यहाँ से उदयपुर शायद 30-35 किलोमीटर और होगा और उसके बाद हम लोग उदयपुर में शायद नाश्ता करेंगे। पहली बार पहाड़ मिला महाराष्ट्र से बाहर आने के बाद, नहीं तो पूरा बंजर जमीन, बंजर खाली जमीन मिल रहा था हर जगह पे। यहाँ पे आने के बाद हमें उदयपुर पहुँचने से पहले हमें मिला पहाड़, वाह और मस्त दिख रहा है। यहाँ से उदयपुर 15 किलोमीटर है, तो अब हम लोग तो 15 किलोमीटर तक कहीं कुछ रुकने नहीं वाले हैं, और उदयपुर के बाद फिर देखा जाएगा कि कैसे कैसे जाना है। यार पुष्पेंद्र गायब हो गया है, वो कहीं दिखाई नहीं दे रहा, उसका मैप भी नहीं समझ में आ रहा है, तो वो देखना पड़ेगा कि वो कहाँ पे है, उसका कॉल भी नहीं लग रहा, वो फ़ोन उसका बंद आ रहा है, बंद नहीं आ रहा एक्चुअली, उसका फ़ोन आउट ऑफ नेटवर्क आ रहा है, तो देखना पड़ेगा कि बंदा है कहाँ। बाकी सब लोग तो पीछे है, दो लोग हम दो साथ चल रहे हैं, वो सचिन और प्रताप साथ में चल रहे हैं, पुष्पेंद्र भाई तूफान में गया है, पता नहीं किस स्पीड में गया है, दिखाई नहीं दे रहा, हम खुद 110-120 पे आ रहे हैं। देखते हैं उदयपुर पहुंचने वाले हम लोग। ये कोई तो रजवाड़ा लग रहा है भाई,
रजवाड़े को रिसोर्ट बना दिया है यार, राजस्थान में यही चल रहा है, द अमरगढ़ लग्जरी रिसोर्ट। और इसकी वजह से पूरी भीड़ है। सबने पेट्रोल डाल लिया, फुल हो गया। अभी सचिन आना बाकी है और हम लोग निकल रहे हैं कि अब कहीं तो खाने के लिए रुकेंगे, ऐसे नहीं रुक सकते, हालत ख़राब है, पसीना। ये थोड़ा लास्ट में ट्रैफिक मिल गया ना उदयपुर एंट्री में, तो थोड़ी दिक्कत हो गई, अदरवाइज़ परफेक्ट जा रहा था हमारा। कोई ढंग के होटल में रुकेंगे, कुछ खाएंगे और उसके बाद फिर 12 के आसपास यहाँ से निकलेंगे। हमें लगता है कि अच्छा खासा डिस्टेंस कवर हो जाना चाहिए, देखते हैं कितना होता है। अभी ब्रेक लेना है, कुछ खाना है, खाने के बाद फिर 12 बजे डॉट यहाँ से एग्ज़िट करेंगे उदयपुर से, और ट्राई करेंगे कि एटलीस्ट 600 किलोमीटर और यहाँ से मारें मिनिमम, उसके बिना तो कुछ हो ही नहीं सकता भाई, पहुँचेंगे ही नहीं। नहीं तो उदयपुर सिटी रेलवे स्टेशन है ये, शायद देख के तो रेलवे स्टेशन जैसा ही फील हो रहा है। और अभी तो कहीं कोई साला होटल ही नहीं मिल रहा है पूरे सिटी में, मुझे लगता है सिटी से बाहर जाना पड़ेगा। उदयपुर की खूबसूरती देखने तो मिल रही है, लेकिन हमें भूख इतने ज़ोर से मिले, एक होटल नहीं मिल रहा हमें रोड पे, एक होटल नहीं मिल रहा रोड पे खाने के लिए। यार किधर गए सारे होटल उदयपुर के भाई, कहीं से तो ले आओ, मुझे भूख लगी है, सुबह से कुछ नहीं खाया है, एक होटल मिल जाओ भाई, एक होटल। सब कुछ अच्छा लग रहा है, रोड अच्छा लग रहा है, एवरीथिंग इज़ गुड फाइन, बट वेयर इज़ द होटल। अब एक होटल ढूंढ रहे हम लोग, होटल ढूंढते ढूंढते उदयपुर से 10 किलोमीटर आ गए। सिटी में हम नहीं रुके बिकॉज सिटी में एक तो भीड़ रहती है, प्लस हमारा इतना सामान होता है ना, कोई होटल वाला हमें वो सब खोल के इतना सब चारों तरफ फैलाने नहीं देगा, और हम थोड़ा आराम भी नहीं कर पाएंगे। हमने हाईवे पे होटल ढूंढते हैं, हाईवे पे कैसा है कि हाईवे पे हमें होटल भी मिल जाता है, खाने भी मिल जाता है और थोड़ा रेस्ट करने को भी मिल जाता है, तो इसकी वजह से जो है, ओह माय गॉड, ये टनल भी है यहाँ पे, पता ही नहीं था टनल है यहाँ पे। नो फोटोग्राफी, नो पार्किंग, नो स्टॉपिंग, सॉरी मेरा कैमरा पहले से ऑन है तो फोटोग्राफी का तो सवाल नहीं है, वीडियोग्राफी हो रही है। ये भाई साहब बीच में रुके हुए हैं, नो स्टॉपिंग जहाँ लिखा है वहीं पे बंदा खड़ा है, एक से एक लोग हैं दुनिया में। अभी हम लोग निकल रहे हैं यहाँ से ऑलमोस्ट उदयपुर से, आगे से ये होटल था ममता रेस्टोरेंट भोजनालय, यहाँ पे अच्छा खाना मिला है। अबे चुतिया क्या,
उदयपुर से निकल गए, 1:15 हो रहा है और हमारा टारगेट है कि हम एटलीस्ट रोहतक करेंगे। तो मोर देन 600 किलोमीटर्स रहेगा। तो 1 से 10 रात तक ड्राइव करेंगे और रोड ऐसा ही है, दिस काइंड ऑफ रोड, तो सो इशू नहीं होगा, आराम से वो कवर अप हो जाएगा। तो देखते हैं आज कितना कर सकते हैं, बाकी मज़ा बहुत आ रहा है ड्राइव में, सबकी गाड़ी अच्छी चल रही है, सबकी गाड़ी अच्छे से चला रहे हैं लोग, जो नए लोग भी हैं वो भी अच्छे से चला रहे हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है। बहुत टाइम बाद ये सारे बाइकर्स हमें एक साथ मिले, पूरा ग्रुप। ये रहा सचिन अपने बुलेट 350 क्लासिक 350 पे, रॉयल इनफील्ड 350 पे। उसके ठीक आगे चल रहा है अजिंक्य ईशंकर जो कि अपने आरी 650 पे है, इंटरसेप्टर 650। उसके आगे जो चल रहा है वो है प्रताप, उसका रॉयल इनफील्ड बुलेट 350 है, प्योर बुलेट। और जो सबसे आगे बंदा चल रहा है, जो हमेशा गायब हो जाता है, उसको ढूंढना पड़ता है, वो है पुष्पेंद्र, उसके जावा पिराक पे, द सिंगल सीटर बाबर। आज दिन का 4th टोल शायद, यार नंबर ही भूल जाता हूँ, लिख के रखना पड़ेगा। वो देखो वहाँ पे शिवजी का सबसे बड़ा मूर्ति बोलते हैं इसको, सबसे बड़ा स्टैच्यू ऑफ भोलेनाथ, हर हर महादेव। पता नहीं आपको दिख रहा है या नहीं दिख रहा है, बट मुझे दिख रहा है, आई थिंक कैमरे में भी आ ही रहा होगा ठीक ठाक। ये यहाँ पे इस साइड में महादेव के नाम पे ही जा रहे हैं हम लोग लेह लद्दाख। वाओ शिवा, भगवान शंकर, भोलेनाथ, हाउ बिग इट इज। वाह, भाई ये कौन सा टोल है, जो भी टोल है एक नया टोल है। ए प्रताप आम्ही नाही दिसत यार तिकडून,
संपूर्ण काटना रहो। कुछ तो खूबसूरत सा नज़ारा है, भिलवाड़ा के पहले है ये एक्चुअली। अरे बाबा, अरे बाबा, बड़ा रिस्की है रे बाबा यहाँ पे गाय का, गाय बछड़े बैल कहीं से भी आ जाते हैं, किधर से भी। राजस्थान में सबसे ज़्यादा गाय है शायद। एक और टोल यार, टोल कितना है यार दुनिया में। कार से कहीं जाओ तो बस टोल ही भरते रह जाओ, पेट्रोल से ज़्यादा टोल के पैसे हो जाएंगे। बट भाई रोड भी उतना अच्छा बनाया है वैसे, ऐसे रोड के लिए टोल देने में कोई तकलीफ नहीं है, ऐसे रोड के लिए टोल दिया जा सकता है। भाई साहब एक घंटे में 90 किलोमीटर कवर हो गया। रुक, एक घंटा हो गया, एक घंटा हो गया। अजमेर पहुंचने वाले हैं, 30-40 किलोमीटर बचा है अजमेर, फिर अजमेर के बाद जयपुर 100 किलोमीटर अराउंड है। क्या बोल रहे हैं तू, बोल। भाई मौसम क्या मौसम था भाई, राजस्थान जैसी जगह पे ठंडी हवा, वो भी एकदम 2 बजे हवा, ठंडा मौसम, सब कुछ ठंडा ठंडा, बस हमारी गाड़ी गर्म हो रखी है पूरा। ये रही मेरी बाइक, सारे बाइक को थोड़ा रेस्ट चाहिए, सब थक गए हैं, एवरीबॉडी इज एग्जॉस्टेड। बस अब निकलेंगे सीधा अजमेर, नहीं अजमेर नहीं, जयपुर, जयपुर तक जाएंगे, उसके बाद एटलीस्ट और 200 किलोमीटर कवर करेंगे, मतलब टोटल अराउंड अराउंड 340 किलोमीटर और चलाना है। 5:15 बज चुका है, शायद 10 बजे तक चलाएंगे, रोड अच्छा है, एक घंटे में 80-90 हो जाता है। वाह बाइक बहुत साथ दिया है भाई, 40-50 किलो का वेट लेने के बाद भी। पागल है क्या, चल जाएंगे। हमने अभी फिर से पेट्रोल डाला, टाइम हो रहा है 6:30, हम लोग अजमेर में हैं, ऑलमोस्ट अजमेर ही है एक्चुअली ये, और अब यहाँ से हम लोग अब सीधा सोच रहे हैं कि जयपुर में रुकेंगे और फिर खाना खाएंगे। 6:30 हो रहा है तो शायद 8:30 तक जयपुर पहुँचने का ट्राई करेंगे। 140 किलोमीटर है जयपुर, सो विल ट्राई टू रीच जयपुर एज सून एज पॉसिबल, बिकॉज जयपुर के आगे भी हमें मोर देन 200 जाने का प्लान है, तो वो करना ही पड़ेगा, नहीं तो कल हमारा सारा प्लान अनसक्सेसफुल हो जाएगा। सो लेट्स गो। चंडीगढ़, चलो कैसे भी चलते, आराम से चलते। दिस इज जयपुर सिटी, टाइम हो रहा है 11:16 रात का,
और अभी हम लोग जयपुर पहुंचे हैं और यहां से हमने आज डिसाइड किया है कि हम आज ही चंडीगढ़ जाएंगे। और उसके पीछे रीज़न ये है कि एक्चुअली हमें बाइक्स में कुछ कुछ काम है छोटा मोटा, और कोई एक दिन का रेस्ट चाहिए हमें पूरा, क्योंकि परसों फिर से हमें चलना है, तो हम नहीं चाहते कि हम डेली डेली राइड ही करते रहें।